जी तो फ्रेंड सब्सक्राइब कर दें लाइक कर दें कमेंट कर दें और शेयर कर दें जैसे कि आयत ने आपसे कहा है सो so, आज हम जा रहे हैं जी एक और अफतारी पे अपने चाचू के घर आज अनन करें उनको लेकिन मेरी चाची और मेरे कज़न्स आए हुए हैं सो so, हम वहाँ पे जा रहे हैं सो so, ये है जी हमारा रास्ता बिकॉज मुझे हाईवे से जाना इतना पसंद नहीं है ये साइड रोड्स पे कंट्री साइड एरियाज़ में अगर आप जब जाते हैं ना तो बड़ा ख़ूबसूरत व्यू नज़र आता है आजकल तो सर्दियाँ हैं लाइक ग्रीनरी इतनी नहीं है लेकिन जब ग्रीनरी होती है तो बहुत मज़े का व्यू लगता है ये देखें जी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है नए घर बन रहे हैं सो अभी भी कनाडा की कहते हैं जी नाइन्टी एट परसेंट लैंड जो है वो वैकेंट है सिर्फ टू परसेंट ऑक्यूपाइड है सो इतना बड़ा मुल्क है ये से आ, मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए जो फ्लाइट होती है वो तकरीबन फाइव आवर्स की फ़्लाइट है लाइक टोरंटो से अगर आपने वैनकूवर जाना है ना तो इट्स फाइव आवर्स फ़्लाइट सो आ, उतने में ही एक घंटा और डालें तो आप इंग्लैंड पहुंच जाते हैं सो लाइक मतलब बहुत बड़ी कंट्री है लैंड वाइज सो so, ये है जी हमारा रास्ता बहुत मज़े का मुझे तो बहुत पसंद है लाइक कंट्री साइड एरिया से जाने का यहाँ पे बहुत सारी रोड जो है ना पैरेलल जाती हैं सो so, आप किसी भी रोड से चले जाएं लाइक like, मतलब हमारे घर के आसपास से तीन तीन रोड्स हैं जो पैरेलल जा रही हैं टूवर्ड्स ऑल द वे टू मार्कम सो विच इज़ रियली गुड लाइक मतलब आप किसी भी रोड पे जा सकते हैं अगर एक रोड पे रश है आप दूसरी पे स्विच कर लें तीसरी पे स्विच कर लें ये हाईवे से अलग मैं बता रही हूँ और भी हैं मतलब मैं अपने एरिए के आसपास बता रही हूँ तीन रोड्स जो हैं बहुत करीब लगती हैं अदरवाइज पैरेलल तो और आगे जितनी मर्जी आप जाएँ सब सब तरफ से जा रहे हैं सो so, ये आए हैं जी हम विनर्स पे कुछ थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी मुझे सो so, उसके लिए मैं आई हूँ और मैंने सोचा आज हम आपको विनर्स का टूर कराते हैं कॉज ये एक ऐसी शॉप है जहाँ पे आपको हर ब्रांड के कपड़े और चीज़ें और शूज़ एंड बैग्स एंड एक्सेसरीज़ हर चीज़ आपको यहाँ पे आराम से मिल जाती है सो विच इज़ रियली गुड कि एक छत के नीचे जो आपको सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं और बहुत रीजनेबल प्राइसिस पे मिल जाते हैं लाइक like उनकी अपनी शॉप्स पे भी इतने रीज़नेबल प्राइसिस पे नहीं मिलते जहाँ जितने आपको यहाँ पे मिल जाते हैं So like uh, सो सेल्स भी बहुत अच्छी होती है इनकी लाइक ईस्टर सॉरी क्रिसमस के टाइम पे और बॉक्सिंग डे के टाइम पे उस टाइम पे सेल्स भी बहुत अच्छी होती हैं बाकी भी गाय ब सर्दियों गर्मियों की सेल्स लगती रहती हैं यहाँ पे और डिफरेंट जो अभी जैसा कैनाडा डे आएगा तो उस टाइम पे जुलाई में भी सेल्स लगती हैं सो so, बहुत अच्छी वैसे भी इनकी प्राइसेस सेल्स ना भी हों तो काफ़ी रिजनेबल प्राइस होती हैं और क्लियर सेक्शंस भी होते हैं यू कैन ऑलवेज़ गो एंड गेट इट फ्राम देयर So, अगर आप कैनेडा में हैं तो यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस स्टोर बिकॉज़ यहाँ पे आपको एज़ कम्पेयर टू ब्रांड्स के अपने स्टोर से उन्हीं के कपड़े आपको यहाँ पे थोड़े रीजनेबल मिल जाते हैं तो so, ये देखें जी ये बच्चों की सारी एक्सेसरीज उनकी वाटर बॉटल्स और ग्लासेस अभी आगे गर्मियाँ आएंगी तो आय भी उस दिन मुझसे पूछ रही थी मामा वेयर इज़ माई ग्लासेज वेर वेर डिड यू पुट माई ग्लासेज बिकॉज जब वो मुझे देखती है ना कि मैंने लगाई हुई है यहाँ पे धूप इतनी तेज़ होती है कि आपको ड्राइविंग के टाइम पे ग्लासेस की जरूरत होती है अगर आप ना लगाएं तो वो आंखें जैसे चुंद ही नहीं जाती हैं वो हो जाता है सो so, जब वो मुझे देखती है फिर उसको लगता है जी मैंने भी पहननी है मेरी किधर है सो so, उसकी भी हैं अब ढूँढनी पड़ेंगी गर्मियों में कि कहाँ पर पड़ी हुई हैं उसकी सो so, येस yes, बच्चों की एक्सेसरीज़ छोटे बच्चों के कपड़े बड़े बच्चों के कपड़े ये देखें आयत के साइज़ के कपड़े हैं सो so, ये तो अब सर्दियों के हैं अब सर्दियाँ तो ऑलमोस्ट जा रही हैं सो so, लेकिन फ्रॉक्स वगैरह और बहुत अच्छे अच्छे जो है ना डिज़ाइन आपको ईजीली यहाँ पर मिल जाते हैं थ्री पीसेस फोर पीसेस कपड़े आपको ये देखें अब ये ये फोर पीस सेट था एंड इट वॉज रियली रियली रिजनेबल लाइक मतलब मेरे ख्याल ट्वेंटी डॉलर्स का लगा हुआ था ये एंड विच वॉज नॉट बैड फोर पीस सेट ट्वेंटी डॉलर्स का आपको शॉप पर नहीं मिलता है so, ये देखें जी कितना कलरफुल समरी सा जो है ये ड्रेस है सो so, इसी तरह यहाँ पे विनर्स पे और होम सेंस और मार्शल्स ये तीनों जो हैं एक ही टाइप के स्टोर्स हैं एक ही चेन है, सो so, होम सेंस में ऑब्वियसली एज़ पर द नेम सेज आपको होम से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी कुशंस एंड क्रॉकरी एंड कैबिनेट्स वगैरह और, और, और मिरर्स और होम डेकोरेशंस के आइटम्स सारी चीज़ें आपको वहाँ से इजीली मिल जाती हैं मार्शल्स पे और विनर्स पे जो है आपको क्लोथिंग एंड बैग्स एंड एक्सेसरीज एंड शूज़ और थोड़ी सी होम रिलेटेड चीज़ें भी होती हैं क्रॉकरी भी होती है डेकोरेशन पीसेस भी होते हैं लेकिन मोस्टली यहाँ पे ज़्यादा फोकस जो है वो क्लोथ्स एंड शूज़ एंड हैंड और इन चीज़ों पे होता है सो so बच्चों की बड़ों की जेंट्स की लेडीज़ की मतलब आपको सारी वैरायटी यहाँ पे आराम से मिल जाती है देखें बच्चों के कितने क्यूट क्यूट से बैग्स लगे हुए हैं अब यही बैग्स और यही जो है ना नाइडीज़ अगर आप इन्हीं जो स्टोर्स हैं प्रॉपर उन पर जाके या या टॉयजरस पे जाके ये चीज़ें देखेंगे तो आपको डेफिनेटली डेफिनेटली यहाँ से एक्सपेंसिव पड़ेगा सो ऑलवेज़ कम एंड चेक हेयर अगर आप न्यू भी हैं तो ये शॉप आपके लिए बेहतरीन है कोई न्यू बॉर्न बेबी हुआ है उसके लिए अगर आपने कोई शॉपिंग करनी है तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू कम सो बहुत एक ही छत के नीचे जो है ना आपको सब कुछ मिल जाता है मतलब आपको अभी मैंने बताया था ना मेरी कज़न आई हुई थी यू so like के से सो शी वॉज़ लाइक के यहाँ पे तुम लोगों के स्टोर्स ऐसे हैं कि एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल जाता है मैंने कहा बहन यहाँ पे जब सर्दियाँ होती हैं ना और बाहर इतनी इतनी स्नो और इतना फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है तो फिर हमारा यही दिल करता है कि ऐसी जगह पर जाएँ जहाँ पे एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ मिल जाए स so, yes, यहाँ पे बहुत ऑप्शन हैं इसी तरह की शॉप्स के जहाँ पे आपको एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल जाता है अब सब वॉलमार्ट पे भी क्लोदिंग होती है उनकी अपने ब्रांड की होती है वो भी इंशाल्लाह आपको किसी दिन मैं दिखाऊंगी लेकिन विनर्स इज़ द बेस्ट आई गेस बिकॉज बच्चों के कपड़े अब ये 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 देखें अभी मैं आपको टैग दिखा रही हूँ बेन शर्मन का जो है ना बच्चों का वो है ड्रेस है छोटे थ्री मंथ्स ओल्ड बच्चे का सो मतलब हर तरह का ब्रांड आपको कैलविन क्लाइन टॉमी और सारे ब्रांड्स आपको यहाँ पे आराम से मिल जाते हैं बच्चों के और इतने क्यूट क्यों इतने रीजनेबल प्राइसेस में कि बस ये देखिए ये कितने क्यूट फ्रॉक्स हैं और ऊपर इनके जो है ना मैचिंग हेडबैंड्स भी लगे हुए हैं सो अच्छा लाइक सेट्स वगैरह एंड ऑल दैट आपको बहुत अच्छे रीजनेबल प्राइसिस में यहाँ पर मिल जाते हैं उसके अलावा बच्चों के टॉयज़ हो गए बच्चों के गिफ्ट आइटम्स हो गए फीडर्स बॉटल्स सॉक्स ये सारी चीज़ें भी आपको ये देखें कितना क्यूट सेट है मुझे बहुत पसंद आया था लेकिन इस एज का कोई बच्चा नहीं है अभी जिसके लिए मैं ये लेती और ये देखें बच्चियों के कपड़े कितने खूबसूरत हैं जब आयत होने वाली थी उस टाइम कोविड का टाइम था सो so, सब शॉप्स वगैरह जो है ना बंद हो गई थी सब कुछ ऑनलाइन हो गया था और विनर्स और होम सेंस डीज आर और, और मार्शल्स ये तीन एक ऐसे स्टोर हैं जहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग पॉसिबल नहीं है सो so, जो है ना अभी भी यहाँ पे आपको इन स्टोर ही जा के देखना पड़ता है so, ये देखे जी आए तो मैडम अपनी शॉपिंग के चक्करों में पड़ी हुई थी लेकिन मैंने कहा नो बेटा आपकी बर्थडे आ रही है आपकी बर्थडे पे आपको जो है ना चीज़ें मिलेंगी इसी तरह हमेशा बच्चों को जो है ना हर दफ़ा शॉप पे ले जा के उनको कोई ना कोई चीज़ दिला दो तो बच्चे को आदत सी पड़ जाती है कि मैं जब भी जाऊँगा मैं जो भी मांगूंगा मुझे वो मिल जाएगा सो इट्स नॉट अ गुड हैबिट यू शुड ऑलवेज गिव गिफ्ट्स ऑन स्पेशल ओकेजनस ताकि बच्चों को भी उस चीज़ का जो है ना वो ख़ुशी महसूस हो बिकॉज हम भी जब बचपन में थे तो हमें हर रोज़ नई चीज़ें नहीं मिलती होती थी कोई बाहर से आ रहा है कोई चचा मामू कोई बाहर से आए हैं तो वो आपके लिए गिफ्ट्स लेके आएंगे मेरे अब्बू जैसे बाहर जाते थे इंग्लैंड चले गए सऊदिया चले गए वो वहाँ से गिफ्ट्स लेके आते थे मैं तो पूरी एक लिस्ट बना के अबू को देती होती थी कि ये 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 डॉल्स चाहिए ये फ्रॉक्स चाहिए ये चाहिए वो चाहिए लेकिन आता उसमें से ऑब्वियसली थोड़ा बहुत ही था लेकिन अपनी तरफ से मैं पूरी लिस्ट बना के देती होती थी अबू को बट uh, वहाँ पे हमें अब मुझे याद है कि हमें ईद के एद जो है ना नए कपड़े मिलते थे या सर्दी गर्मी के टाइम पे जो है ना कपड़े मिलते थे नए बाक़ी जिस तरह अब यहाँ पे हम अपने बच्चों की शॉपिंग करते हैं ना हर महीने जाके कोई एक ड्रेस ले आए कोई ये कर लिया कोई वो कर लिया वो वाला चीज़ नहीं होती थी वहाँ पे वो चीज़ें मतलब जो है ना बहुत रीज़नेबली चलते थे वहाँ पे, पे पेरेंट्स और तभी जो है वो आप अपने बजट के हिसाब से ऑब्वियसली चल सकते हैं अगर आप हर वक्त चीज़ें बच्चों की लेने लगेंगे तो फिर ना आपके घरों में जगह रहेगी और ना बैंक में कुछ रहेगा सो बेटर टू बाय कि जब आपको चाहिए अब मैं आयत के इतने माशाल्लाह इसके कपड़े हैं ना कि मुझे कपड़ों की इसकी ज़रूरत नहीं है सो so, मैं अब अपने आप को बहुत रोकती हूँ पहले मैं कॉस्को जाती होती थी तो मैं इसके हर दफ़ा मैं इसका कोई ना कोई ड्रेस उठा ले कोई ये चीज़ उठा ले कोई वो चीज़ उठा ले लेकिन अब मैंने बस छोड़ दिया मैंने कहा नहीं अब इसके कपड़े बहुत हैं अगले नहीं संभाले जाते अगले नहीं इसको कई ऐसे कपड़े हैं जो इसको पहनती भी नहीं है और छोटे हो जाते हैं सो अल्लाह का शुक्र है कि जी इसके पास इतने हैं माशाल्लाह कि ज़रूरत नहीं पड़ती और ये देखें जी ये कितने प्यारे बैग्स लगे हुए हैं, हैंड बैग्स भी हैं और ट्रैवल बैग्स भी हैं सो आपको हर चीज़ मैंने कहा ना जैसे कि हर चीज़ आपको एक छत के नीचे मिल जाती है सो विच इज़ रियली ट्रू सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे और ये बैग्स यहाँ पे कैलविन क्लाइन के नाइन वेस्ट के और डिफरेंट ब्रांड्स के गेस के माइकल कोर्स के और पता नहीं कितने ब्रांड्स हैं जिनके मुझे नाम भी नहीं आते टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट इन टू ब्रांड्स मुझे होता है मैंने अब लास्ट ईयर अम्मी आई थी सो so सब को मैंने माइकल कोर्स का बैग लेके दिया लेकिन अपने पास मेरे पास अमेज़न का बैग है जो मैं यूज़ करती हूँ अमेजोन से मैंने ऑर्डर किया था फोटी फाइव डॉलर्स का बैग मुझे इन चीज़ों की इतनी परवाह नहीं होती है कि कोई है तो ठीक है नहीं है तो ना सही कोई इतना बैग ही है ना चीज़ें ही डालनी है लेकिन कई लोगों को बहुत शौक़ होता है बैग्स का लाइक हर चीज़ के साथ मैचिंग चाहिए उनको सो so, ओबियसली उनकी अपनी चॉइस होती है यहाँ पे ओल्डो एक ब्रांड है वो भी काफ़ी रीज़नेबल है उसके स्टोर्स आपको मॉल्स वगैरह में मिल जाते हैं ये देखें जी गैस के बैग्स हर तरह के आपको यहाँ पे बैग्स मिल जाएंगे ओल्डो का बैग भी यहाँ पे लगा हुआ था ये हैट्स आगे अब क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं तो इन्होंने गर्मियों के हिसाब से अब स्टफ़ रखना शुरू कर दिया सो so, ये अब समर के लिए जो है ना हैट्स और ये इतनी क्यूट क्यूट सी बचपन में हम देखते होते थे ऐसी हैट्स को जो है ना बड़े फैसिनेट होते थे लेकिन अब तो लिटरली देखने का भी दिल्ली करता है इन चीज़ों को और ये देखेंगे बच्चों के आप बैग्स बनाने के लिए लाइक बच्चों के कपड़े छोटे बच्चे जिनके हों उनके लिए सो बहुत अच्छी यहाँ पे आपको रीज़नेबल चीज़ें भी मिल जाती हैं और अच्छे ब्रांडेड चीज़ें भी मिल जाती हैं सो कहते हैं ना प्राइस भी कम और ब्रांड एंड क्वालिटी भी अच्छी सो वाई नाट जब आपने सेम प्राइस किसी नॉर्मल जगह से लेनी है सेम प्राइस की चीज़ें सो इट्स बेटर कि आप यहाँ पे आएँ यहाँ पे आप देखें अपने बजट में रह के जो भी आपको चीज़ पसंद आती है आप बाय कर लें अगर नहीं पसंद आती तो देन यू कैन गो एनी वेयर एल्स बट डू ट्राई डू गिव इट अ ट्राई और ये जी अब हम फाइनली चेकआउट पर आ गए हैं जो चीज़ें हमने लेनी थी वो हमने ले ली अब हम रवा हैं वापस अपने सफ़र पर बिकॉज एक्चुअली फ्राइडे को भी ऑफ़ था और आज जो है ना आज शॉप्स ओपन है सैटरडे को और कल फिर सब कुछ ऑफ होगा ईस्टर की वजह से बिकॉज फ्राइडे को गुड फ्राइडे की छुट्टी थी और ईस्टर संडे ऑब्वियसली ईस्टर संडे है सो सारी शॉप्स मोस्टली शॉप्स बंद होती हैं सो so, फिर आप शॉपिंग नहीं कर सकते सो इट्स बैटर कि आप जिन्होंने कोई शॉपिंग वगैरह करनी थी देसी स्टोर आपको सारे खुले मिलेंगे लेकिन लाइक नाइन्टी परसेंट ए सी स्टोर सारे खुले मिलते हैं आपको लेकिन बाकी जो स्टोर्स हैं वो यहाँ पे आपको uh, जो है ना ईस्टर संडे को स्पेशली बंद होते हैं सो मैंने सोचा कि जाते जाते रस्ते में हम जरा शॉपिंग भी कर लें सो ये लिया हमने और अब हम जा रहे हैं जी अफ्तारी पे सो यहाँ पे आयत की भी एक फ्रेंड है मेरी कज़न की बेटी है जो आयत की ही एज की है सो so, इन दोनों की इतनी दोस्ती है माशाल्लाह से उसकी मामा भी यही कहती है और मैं भी लिटरली मैंने उसको यही कहा मैंने कहा सुबह जब तक आपका फ़ोन नहीं आया था ना तब तक उससे पहले आयत मुझे कह रही मामा माय बर्थडे इज़ कमिंग जो है ना मरियम आएगी मेरी बर्थडे पे, सो so, मैंने कहा हाँ बेटा आएगी आपकी बर्थडे पर मरीम ज़रूर आएगी इन सो शी वॉज़ लाइक ओ आई विल प्ले विद हर आई लाइक हर सो so, बहुत दोस्ती है माशाल्लाह से इनकी और ये दोनों इकट्ठे ही स्कूल जाएंगी ऑब्वियसली एक स्कूल में नहीं जाएंगी बिकॉज वो अलग रहते हैं हम अलग रहते हैं लेकिन एक साथ ही इनका स्कूल एक ही वह एक ही ईयर में स्टार्ट होगा विच इज़ लाइक सेप्टेम्बर से ये दोनों स्कूल स्टार्ट करेंगी सो so, अभी मैं आपको जो है मरियम भी दिखाती हूँ आयत के साथ सो so, बहुत क्यूट है माशाल्लाह से वो भी बड़ी प्यारी प्यारी बातें करती है कभी कर उसकी बातें सुने है ना ओए हो कहती है आयत को कहती है डू यू नो वट्स योर डॉलीज नेम आयत कहती है नो आई डोंट नो माई डॉलीज नेम शी इज डॉली कहती है ओ यू डोंट नो योर डॉलीज नेम आई नो माई डॉलीज नेम सो ये है जी मैडम दोनों ये माशाल्लाह से दोनों प्ले कर रही थी अपनी अपनी डॉलीज के साथ और टैग प्ले कर रही थी और और क्या फाइंड मी हाँ जी कि मैं मैं छुपती हूँ हाइड एंड सीख प्ले करते हैं और ये जी आंटी ने यमी से नूडल्स बनाए हुए थे बच्चों के लिए स्पेगेटीज सो बच्चे वो इन्जॉय कर रहे थे हमने अफतारी से पहले बच्चों को जो है ना इन्होंने सब ने लंच डिनर करवा दिया ताकि ये आराम से कर लें फिर ये साइड भी होंगे फिर हम लोग आराम से अपनी अफतारी करेंगे सो so ये जी बच्चे खाना खा रहे हैं माशाल्लाह से आयत को बहुत पसंद आए थे नूडल्स जो आंटी ने बनाए थे उस आंटी को कहती है थैंक यू नानो बहुत ही है सो so ये जी आंटी ने चिकन बनाया हुआ था और मज़े के यमी से नूडल्स बनाए हुए थे स्पेगेटीज़ चिकन स्पेगेटीज़ विद ब्रोकली एंड कैरेट्स एंड क्या था शिमला मिर्च थी बीच में और ये जी गोश्त वाले पुलाव था और साथ ये मैंने खजूरें अपनी रीत के हिसाब से मैंने खजूरों में मैंने आंटी का मन का मैंने बादाम डाल दे। <laughs> सो वो भी मैंने डाले ये समोसे मैं लेके गई थी रास्ते से ये वो हैं और फ्रूट काटा हुआ था ये मेरे कज़न जो हैं वो बच्चों के लिए डोनट्स लेके आए थे और ये देखे जी मैडम्स एंड पे आपस में जो है ना बड़े मज़े से ओए हुए, हुए, हुए। आपने इनकी बातें सुननी थी जब इन्होंने ये जब हम निकल रहे थे वहाँ से तो दोनों रोना शुरू होगी कि मैंने उसके घर जाना है वो कहे जी मैंने इसके घर जाना है और दोनों रोना शुरू होगी मैंने कहा है हे उस टाइम बड़ा दिल दुखता है कि जी बच्चे जब कहते ना जी हमने हमने नहीं जाना हमने और प्ले करना है तो फिर बड़ा दिल दुखता है पर जी घर तो जाना है सो अब हम वापस घर जा रहे हैं ये वही डेंजरस वाली हाईवे वे फोर वन है लेकिन चूँकि संडे सैटरडे का दिन है और क्या कहते हैं इतना रश नहीं होता रात के टाइम पे तकरीबन नौ बज रहे थे मेरे ख्याल उस टाइम पे साढ़े आठ पौने नौ सो इट वॉजन दैट बैड सो यस ये था जी हमारा आज का व्लॉग उम्मीद है आपको पसंद आया होगा अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा मुझे मेरी बेटी को अपनी दाव में याद रखिएगा और डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब बिकॉज आयत की बर्थडे आने वाली है और हमने आप से रिक्वेस्ट की हुई है कि आप आयत की बर्थडे तक एटलीस्ट टेन थाउजेंड सब्सक्राइबर्स कर दें सो प्लीज़ 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 डू दैट आयत विल बी रियली हैप्पी और इन आयत की बर्थडे भी हम सुन जो है उसकी भी तैयारियां स्टार्ट करेंगे ईद के बाद सो विद वस एंड यस अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिए मुझे मेरी बेटी को अपने दौ में याद रखिए मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में टिल देन टेक केयर अल्लाह फेस खुश रहिए खुशियाँ बांटिए और रमज़ान के ये आखिरी आखिरी दिन जो है ना करें करेंकॉज़ ये टाइम वापस नहीं आना सो अल्लाह ताला पता नहीं हमें अगला रमज़ान नसीब होता है नहीं होता सो जो है उसको जो है ना भरपूर तरीके से उसमें अपनी इबादत करें और हमें भी अपनी दुआ में याद रखें और खुश रहें अल्लाह हाफि